हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 5 से 7 साल की बच्ची की शाही मस्तानी साड़ी बनाने वाले हैं और एक साड़ी में छोटी छोटी 2 साड़ियां बन जाती हैं। और आप रेडी टू वेयर नवारी साड़ी खरीदना चाहते हैं या फिर हमसे सिलवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये 6 मीटर की ही साड़ी है और इस 6 मीटर की साड़ी में 2 छोटे बच्चों की साड़ियाँ बन जाती हैं। साड़ी को पहले खोल लेना है। पूरा खोलने के बाद बराबर बराबर 2 भाग इसे पूरा कट कर लेना है। यहाँ पर 6 मीटर की साड़ी में 2 साड़ियाँ बनने वाली हैं छोटे बच्चों की, इसलिए अस्तर का कपड़ा भी मैंने 2 मीटर मंगाया हुआ है। और यदि 7 साल की बच्ची का नाप लिया जाए तो लंबाई होती है 24, सीट घेर लगभग 22 और बॉटम मैंने 10 इंच रखा हुआ है, 10 इंच। अब इसकी हम कटिंग सबसे पहले अस्तर पर करेंगे। अस्तर को इस तरह एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम लंबाई का नाप लेंगे। लंबाई है 24, ऊपर 2 इंच का बॉर्डर लगेगा और साड़ी जो कटिंग की हुई है हमने ये 22.5 इंच यानी 22.5 इंच इतनी है साड़ी, तो सलवार भी हम इतनी ही रखेंगे लंबाई में। ऊपर बॉर्डर आ जाएगा तो ये भाग बराबर हो जाएगा। बॉटम घेर है 10 इंच, 1 इंच बड़ा लेने के बाद 6 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। 10 इंच का आधा लेना होता है यानी 5 इंच, 1 इंच प्लस किया यानी 6 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब ऊपर की ओर से यहाँ से हमें सीट घेर का नाप लेना होता है हिप साइज़ का। हिप साइज़ है 22, इसका चौथा भाग हमें लेना होता है। चौथा भाग हुआ 5.5 इंच, 5.5 इंच, इसमें भी हम 2 इंच प्लस कर देंगे, 1 और ये 2, 7.5 इंच, 7.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब सीट घेर के लिए हमें हिप साइज़ का तीसरा हिस्सा लेना होता है। ये आ रहा है 22 का तीसरा हिस्सा यानी 22 का तीसरा हिस्सा, 7.3। अब इसमें भी हम 1 इंच कम कर देंगे यानी 6.3 पर ही मैं मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर हम बॉर्डर भी लगाएंगे इसलिए यहाँ पे मैंने 1 इंच कम किया हुआ है। सही नाप के हिसाब से तो यही नाप सही है, लेकिन यदि आपके बच्चे को बैठने उठने में कंफर्टेबल नहीं लगता है तो 0.5 इंच और प्लस कर लेना चाहिए इसमें, 7 इंच। इस तरह मैंने 7 इंच ले लिया और इस तरह 1.5 इंच, क्योंकि बड़ों के लिए हम 2.5 इंच लेते हैं और ये बहुत छोटी साड़ी है इसलिए 1.5 इंच, 1.5 इंच आगे गए, मार्किंग कर ली। इस तरह से 0.25 इंच यानी 1 इंच से भी कम मार्किंग की हमने और इसे गोलाई दे देनी है। अब ये वाला निशान और ये वाला निशान लाइन ड्रॉ कर लेनी है मिलाकर और इसे कट कर लेना है। ये पल्ला कट हो गया है एक नवारी साड़ी के, यानी ये इस तरह से 2 पल्ले कट हो गए हैं, एक नवारी साड़ी का अस्तर कट हो गया है। अब एक साड़ी में से, एक 6 मीटर की साड़ी में से हम 2 साड़ियाँ बनाने वाले हैं बराबर नाप की। पैटर्न अलग अलग होंगे, इसके लिए भी हम अभी अस्तर कट कर लेंगे। इस तरह हमें रखना है, यहाँ से सिलाई लग जाएगी, किनार को हम कट कर लेंगे, ड्रॉ कर लेना है और कट कर लेना है। अब ये दूसरा पल्ला भी कट हो गया है, यानी इस तरह से ये एक साड़ी का, ये दूसरी साड़ी का, और ये जो पल्ला है ये ब्लाउज़ बनाने के लिए काम आएगा, ये भी डबल है। अब हम पल्लू कट करेंगे। लंबाई है हमारी 24 इंच, तो लंबाई का 2 गुना प्लस 10 इंच, इस तरह हमें पल्लू लेना है। एक बार 24, दूसरी बार 24 और 10 इंच, इस तरह हमें नाप लेना है। दूसरी बार 24 और 10 इंच, 10 इंच, 24 प्लस 10 इंच, यहाँ मार्किंग कर लेनी है। ऊपर से 24 मार्किंग कर लेनी है और इस निशान को इस तरह मिला लेना है और कट कर लेना है। अब इस ओर से पल्लू कट कर लेने के बाद यहाँ से हमने नाप लिया 50 इंच, 50 इंच निशान लगाया और इसे कट करके अलग कर लेना है। इसकी हम प्लीट्स तैयार करेंगे। अब यहाँ से हमने पल्लू कट किया हुआ था, इसे भी कट करके सीधा कर लेना है। अब हमने यहाँ से 1 इंच के बाद ये इस डॉट से लाइन बनाई और ऊपर की ओर 1 इंच के बाद
यहाँ पे एक डॉट दिया, उस डॉट को इस डॉट को लाइन से मिला दिया। अब इसे कट कर लेना है और इस बॉर्डर को भी थोड़ा सा कपड़ा रख कर कट कर लेना है और इस वाले भाग को हटा देना है। इसके बाद इस बॉर्डर को यहाँ पे जोड़ देना है सिलाई लगा कर। प्लीट का एक भाग कट करके बॉर्डर को ऊपर जोड़ने के बाद बॉर्डर थोड़ी छोटी हो जाती है। अब ये वाला टुकड़ा पल्लू कट करने के बाद, इसे हमने सीधा कट किया हुआ था, ये इस तरह से यहाँ पे जोड़ना है और इस तरह से फोल्ड कर देना है पीछे की ओर और सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। और नीचे की ओर से भी 2 बार फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। अब इस जोड़ को लगाने के बाद, ये जो सीधा वाला हिस्सा है इसमें ये बड़ा वाला हिस्सा, छोटा वाला हिस्सा हमें नहीं लेना, ये बड़ा वाला हिस्सा यहाँ पर इस तरह आसन रखना है। ये वाला भाग बिल्कुल सीधा रखना है और इस आसन वाले भाग को इस तरह से रख कर मार्किंग कर लेनी है और इसे कट कर लेना है। आसन वाला भाग कट करने के बाद 2 इंच पर 2 इंच पर एक निशान लगाया। इसके बाद 6 इंच 6 इंच, इस तरह 6 6 इंच के अंतर पर हमने सारे निशान लगा लिए हैं। अब ये 2 इंच वाला निशान हमें छोड़ देना है। 6 इंच वाला निशान इस तरह से पकड़ कर, इस तरह प्लेट बनाकर इस पर रख देनी है पहले वाले निशान पर। अब दूसरा 6 इंच वाला निशान हमें पकड़ना है और इस तरह इस प्लेट पर ही हमें दूसरी प्लेट भी रख देनी है। बस पहली प्लेट और दूसरी प्लेट में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। इसी तरह हमें सारी प्लेट बना लेनी है और सभी प्लेट में थोड़ा थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। इतनी प्लेट लेने के बाद अब जो आखिरी प्लेट है इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है और इस कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड कर देना है और प्लेट के जगह हमें सिलाई लगा लेनी है। प्लेट लेने के बाद इस पर हमने प्रेस कर ली है। अब यहाँ हमें एक टाका लगाना है इस प्लेट का, केवल इस प्लेट में, और इस प्लेट का केवल इस प्लेट में। इसी तरह हमें आखिरी तक टाके लगा लेने हैं, केवल इस ओर हमें टाके नहीं लेने, यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। अब जो साड़ी बची हुई है पल्लू प्लीट कट करने के बाद, इसके बाद इसे हमने फोल्ड किया। जितनी हमारी लंबाई है अस्तर की लंबाई हमने जो कट की हुई है वो है 22.5 इंच। इसमें हमें 4 इंच मिलाना चाहिए, 1 2 3 और 4, 26.5 इंच 26.5 इंच। ये हम काष्ठे के लिए नाप लेंगे, जो भी लंबाई हो उसमें 4 से 5 इंच मिलाना चाहिए। अब इस कपड़े को कट कर लेना है। अब इस तरह से हम डबल काष्ठा कट करने वाले हैं। कपड़े को कट करने के बाद यहाँ से हमने नाप लिया 16 इंच 16 इंच और इस तरह मार्किंग कर ली। अब इसे भी कट करके अलग कर लेना है। यहाँ से हमने कपड़ा कट कर लिया इस तरह से, 16 इंच 16 इंच का है और इस तरह से 26.5 26.5 इंच। अब यहाँ पर हमें अस्तर वाला भाग रखना है, आसन वाला भाग ड्रॉ करना है और कट कर लेना है। आसन वाला भाग कट करने के बाद इस ओर से हमें क्रॉस में टेप रखनी है, 4 इंच पर मार्किंग करनी है, इस तरह गोलाई दे देनी है और इस भाग को भी कट कर लेना है। अभी इस तरह से हमारा डबल काष्ठा कट हो गया है। पल्लू प्लीट और काष्ठा कट करने के बाद अभी इतनी साड़ी बची हुई है, इसकी भी बॉर्डर कट करके अलग कर लेनी है। बॉर्डर कट करने के बाद साड़ी के कपड़े को इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। अब सलवार का अस्तर का कपड़ा इस पर रखना है और यहाँ पर बॉर्डर आ जाएगी, इसे कट कर लेना है साड़ी के कपड़े को और यहाँ बॉर्डर लगा लेनी है दोनों पल्लों में नीचे की ओर, और अस्तर के कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करके बॉर्डर में सिलाई लगा के जोड़ लेना है। यहाँ से बिल्कुल बराबर कट कर लेना है और यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा, 1/2 इंच ज़्यादा लेते हुए इस तरह से हमें ऊपर तक कट कर लेना है। और फिर यहाँ पर हमें चिमटियाँ लेते हुए इस सारे भाग को जोड़ लेना है, यहाँ भी ऊपर कमर में भी जोड़ लेना है, इसी तरह से उस ओर भी जोड़ लेना है और ये वाला भाग सीधा ही रहेगा। यदि आप चाहें तो इसे इस तरह से बीच में रख सकते हैं। फिर इसे बराबर में कट कर लेना है, यहाँ भी बराबर में कट कर लेना है और यहाँ पर भी चिमटियाँ ली जा सकती हैं, थोड़ी 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 ऊपर भी चिमटियाँ ली जा सकती हैं। अब हमने अस्तर के कपड़े में इस कपड़े को जोड़ लिया है, सलवार का एक पल्ला तैयार हो गया है। अब इस पर हम पल्लू जोड़ेंगे। कमर वाला हिस्सा हमारी ओर है और हमारे सीधे हाथ वाला आसन,
इस पर हमें पल्लू जोड़ना है। पल्लू में जो बॉर्डर वाला भाग है ये नीचे की ओर रहेगा और जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पर हमने दो बार फोल्ड करके बारीक सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से हमें कमर से 1 इंच नीचे से इसे रखना है और बिल्कुल बारीक 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 चिमटियाँ लेते हुए आसन तक और आसन से 2 इंच नीचे तक, यानी ये बॉर्डर वाला हिस्सा नीचे की ओर आ जाएगा। इस तरह से हमें इसे जोड़ लेना है। पल्लू सिलाई लगाकर जोड़ लेने के बाद इस पर हम काष्टा अटैच करेंगे। काष्टे का आसन वाला भाग इसे और रखना है और सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। इसके बाद ये जो बॉर्डर वाला हिस्सा है इसे घुमाकर इस तरह से मोहरी वाले हिस्से पर रख देना है और यहाँ से 5 इंच तक बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है, 4 से 5 इंच तक। इसके बाद में बारीक बारीक चिमटियाँ लेनी हैं हमें काष्टे में और इस भाग को बराबर कर लेना है। ऊपर से जहाँ तक बॉर्डर है यहाँ तक चिमटियाँ नहीं लेनी हमें, बाकी के इस बीच वाले भाग में नीचे से 4 इंच, ऊपर से लगभग 3 इंच और बीच वाले भाग में सारी चिमटियाँ आ जानी चाहिए। सलवार का कपड़ा सीधा, पल्लू भी सीधा और काष्टा भी सीधा, इस तरह हमने जोड़ लिया है। दूसरा भी सलवार का पल्ला तैयार करके इस काष्टे के बिल्कुल बाजू वाले आसन में हमने काष्टा अटैच कर लिया है। अब जिस सलवार के पैर में हमने पल्लू और काष्टा दोनों अटैच किया हुआ था उसी पैर में कमर वाला हिस्सा हमारी ओर है और हमारे उल्टे हाथ वाला आसन, यहाँ पर हम इस प्लीट को फिक्स करेंगे। प्लीट वाला हिस्सा उल्टा रख देना है, आसन वाला भाग सिलाई लगा के जोड़ लेना है। यदि आसन वाला भाग थोड़ा बड़ा हो रहा है तो एक हाथ चिमटी ले लेनी चाहिए बारीक और इस वाले हिस्से को भी सिलाई लगा के जोड़ लेना है। यदि ये हिस्सा भी लंबा हो रहा है तो यहाँ पे 1-2 छोटी छोटी सी चिमटियाँ ली जा सकती हैं। प्लीट वाला भाग जोड़ लेने के बाद पल्लू समेट के बीच में रख लेना है, काष्टा भी समेट लेना है और जो दूसरा पल्ला हमने तैयार किया हुआ था जिसमें हमने केवल काष्टा जोड़ा हुआ है इसे इसके ऊपर उल्टा रख देना है और दोनों आसन वाले भागों को सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। क्रच का भाग यानी आसन का भाग इस तरह से सिलने के बाद इसे इस तरह से रखना है और इस भाग में भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसे पलटा कर सीधा कर लेना है। पलटाने के बाद ये सामने का पल्ला अब आगे की सिलाई और पीछे की सिलाई को बराबर करना है। अब ये सिलाई वाला भाग और कमर का ये भाग इसके बिल्कुल बीच में, यहाँ पर हमें इस बॉर्डर का बीच वाला हिस्सा इसे फिक्स करना है। इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और यदि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा भाग हो तो इसे अंदर की ओर फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा लेनी है। अब ये पीछे वाला भाग है, ये पल्लू, ये एक काष्टा और ये दूसरा काष्टा। अब इस एक काष्टे पर इस दूसरे काष्टे को हमें रख देना है और यहाँ से बिल्कुल 1/2 इंच हमें छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ से 5 से 6 इंच तक हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह खोलना है और इस बॉर्डर के पीछे वाला ये काष्टा इसकी हमें 1 और ये 2, बस इतनी प्लीट लेनी है, यानी ये टोटल 1 प्लीट हुई। अब इस वाले काष्टे को और इस वाले कपड़े को हमें हटा लेना है यहाँ से, क्योंकि थोड़ा भाग हमने खुला रखा हुआ था, इसे हटा लेना है और इस बॉर्डर को इसी की प्लीट पर यहाँ से पलटा कर उल्टा रख देना है और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसे सीधा कर लेना है। अब इसी तरह से ये वाली प्लीट, ये वाला काष्टा, यहाँ पर भी हमें प्लीट ले लेनी है। इस तरह से हमने प्लीट ले ली, बॉर्डर के पीछे की ओर हमने प्लीट ली। अब यहाँ से इस प्लीट को पकड़ लेना है और इस काष्टे को हटाते हुए इस बॉर्डर को इस प्लीट पर उल्टा रख देना है और इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसे भी सीधा कर लेना है। अब ये काष्टा इस तरह से दिखाई देगा, ये कमर वाला भाग, ये काष्टे के दोनों बॉर्डर और एक काष्टे का पीछे वाला हिस्सा। अब इन दोनों कपड़ों को अंदर की ओर फोल्ड कर देना है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। अब ये बॉर्डर हमने कमर घेर के नाप के ली हुई है
अब यहाँ से हमें अस्तर को जोड़ लेना है, इस बॉर्डर के बराबर ही यहाँ से हमें अस्तर को भी जोड़ लेना है, अस्तर वाला कपड़ा, और इसे हमें यहाँ पे लगा देना है नेफा। इसका हमें नेफा लगाना है बॉर्डर का, और जब हम नेफा लगा लेंगे तब ये काष्ठे को इसके ऊपर हमें अटैच करना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अब हम ब्लाउज़ बनाएंगे, इसके लिए ये मैंने इस तरह एक कपड़ा फोल्ड कर लिया है और एक कपड़ा ये फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद ये इस तरह से 7 इंच है, 7 इंच, और इस तरह से ये कपड़ा 10 इंच, 10 इंच का है, 10 इंच। अब यहाँ से हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे गले के लिए, और इस तरह से 4.5 इंच शोल्डर के लिए। अब इस तरह से हमें 5 इंच पर मार्किंग करनी है। वैसे तो कम लिया जाए 4 इंच भी चलता है, लेकिन फिर बच्चों को बगल में चुभता है, इसलिए यहाँ पे मैं 5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। क्रॉस में टेप रखनी है, 1 इंच पर मार्किंग करनी है और इसे इस तरह से गोलाई दे देनी है। गले के लिए आगे की ओर 3.5 इंच, 3.5 इंच गोल गला में बना रही हूँ। आप जिस चाहें, जिस आकार का चाहें आप बना सकते हैं। और पीछे के गले के लिए यहाँ पर मैं 7 इंच, 7 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ और इस तरह से वी शेप दे रही हूँ। अब हमें आगे की बगल कट करनी है। यहाँ से 1/2 इंच अंदर गए हम, और इस तरह से फिर से हमने क्रॉस में टेप रखी, 1/4 इंच यानी 1 इंच से थोड़ा कम, इस तरह निशान लगाया और फिर इसे भी गोलाई दे दी। अब ये पीछे वाली बगल होगी और ये आगे वाली, ये गला आगे वाला होगा और ये गला पीछे वाला। अब सबसे पहले हम छोटा वाला गला कट कर लेंगे। आगे वाला गला हमने कट किया और पीछे वाली बगल कट करेंगे। अब इस एक पल्ले को हटा देना है। अब हम ये वाली बगल कट कर लेंगे। अब ये पल्ला तो आगे का हो गया, क्योंकि ये बगल आगे की थी, इसलिए ये वाला जो गला है ये हम इस पल्ले में यानी पीछे वाले पल्ले में ड्रॉ करेंगे। अब इस तरह से 3.25 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ और इसे कट कर लेना है। गला कट करने के बाद पीछे वाले पीछे हम हुक लगाएंगे, इसलिए इसे भी कट कर लेना है हमें। अब ये पीछे वाला पल्ला हो गया और ये आगे वाला। अब हम इसमें साड़ी का कपड़ा जोड़ेंगे। अस्तर के कपड़े को साड़ी के कपड़े पर रखकर पहले हमने पिने लगा ली, फिर इसे भी हमने कट कर लिया है, थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हमने कट किया हुआ है। बाही कट करने के लिए इस तरह मैंने एक बार इसे फोल्ड किया है, एक बार और फोल्ड कर लेना है। अब इसके बाद इस तरह हमें चौड़ाई लेनी है इसके, 6 इंच मार्किंग कर लेनी है, और इस तरह 3.5 इंच, 3.5 इंच। आप चाहें तो आप बड़ी बाही भी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ से 2 इंच पर मार्किंग करनी है और 2 इंच इस तरह, 2 इंच। इसके बाद इसे यहाँ में मिला देना है, और ये जो बीच वाला हिस्सा है, इसके और इसके बीच वाला हिस्सा, यहाँ से 1/2 इंच, 1/2 इंच हमें नीचे की ओर जाना है इस तरह। ये भाग पीछे का होगा और ये भाग आगे का होगा। ये हमने बाही कट कर ली है, यहाँ से भी 1/2 इंच हमें इस तरह ले लेना है। ये सामने वाला पल्ला होगा कम कटा हुआ, और ये बड़ा वाला पल्ला पीठ की ओर आता है। अब सभी ओर से हमें सिलाई लगा लेनी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और इसी तरह हमें बाही में भी साड़ी का कपड़ा लगा लेना है। अब हमने बाही में भी अस्तर लगा लिया है, और इस तरह हमने हरे रंग की पट्टी बाही में लगा ली है, क्योंकि साड़ी का पल्लू हरा है। अब यहाँ पे जॉइंट पे, ये जॉइंट है, यहाँ पे हमें इस तरह से लेस लगा लेनी है, और एक लेस नीचे की ओर भी लगा लेनी है, इसी तरह यहाँ भी और यहाँ भी लगा लेनी है। अब ये जो सामने वाला पल्ला है, इस पर कंधे इस तरह से रखने हैं और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। कंधे जोड़ने के बाद हमने बाही भी लगा ली है। बाही में जो छोटा वाला भाग हमने कट किया था ये सामने की ओर आया है, और बड़ा वाला भाग जो था ये पीछे की ओर आया है। अब गले की पाइपिंग के लिए यहाँ मैंने कपड़ा लिया हुआ है,
इसे हमें क्रॉस में कट करना है, यानी उरेबी में कट करना है। उरेबी में इसलिए ताकि इस तरह से खींचता है कपड़ा और पाइपिंग अच्छी लगती है। अब इसकी एक एक इंच चौड़ी हमें पट्टियाँ कट कर लेनी है। अब इन पट्टियों को हमें इस तरह से रखना है और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से सीधी हो जाती है। पाइपिंग लगाने के लिए ब्लाउज़ को उल्टा रखना है, गले के पास से यहाँ से हमें पाइपिंग लगानी शुरू करनी है। इस पट्टी को हल्का सा हमें खींचना है, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना। इस तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है, पाव इंच के अंतर से हमें सिलाई लगानी है। और इस तरह से जहाँ पे गोलाई आती है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हमें खींचना होता है और इसमें हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे सामने की ओर हमें पलटा लेना है और हल्का सा फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद इस पर भी हमें ये लेस लगा लेनी है। गले में पाइपिंग लगाने के बाद अब हमने नीचे से एक पट्टी लगाकर पीछे की ओर पलटा ली है, इस ओर भी और इस ओर भी। अब एक पट्टी हमने यहाँ भी लगा ली है, इस ओर से हमने थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है, इसे इस ओर से भी फोल्ड कर लेना है, इस ओर से भी फोल्ड कर लेना है और इसे पीछे की ओर पलटा लेना है। इस ओर हम हुक लगाएंगे और ये वाला भाग, ये पट्टी हमने थोड़ी चौड़ी ली हुई है, लगभग 3 इंच की। यहाँ से सिलाई लगाने के बाद ये पट्टी भी हमने फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब इसे हमें यहाँ से फोल्ड करना है और इस तरह रखना है और सिलाई लगा लेनी है। इस पट्टी को भी यहाँ से फोल्ड कर लेना है और इस ओर हम काज बनाएंगे। पट्टी लगाने के बाद अब इसे सीधा ही रखना है हमें इस तरह से, और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल कट कर लेना है पास से, और इसके बाद इसे उल्टा करके, मतलब ये इस तरह से रहेगा, एक सिलाई यहाँ भी लगा लेनी है। इसके बाद हम अपने हिसाब से फिटिंग भी कर सकते हैं। Thank you.